हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। अपनी इस वीडियो में हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के सब्जेक्ट 5 यानी कि प्रोजेक्ट वर्क के ट्रांसलेशन करेंगे, जो कि जनवरी 2020 और जुलाई 2020 के सेशन के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के सेकंड पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। हालांकि संस्कृति में परंपराएं, प्रथाएं और ज्ञान प्रणालियां सम्मिलित हैं, फिर भी यह एक क्रियाशील इकाई है। समाज तब तक जीवंत और कार्यात्मक रहता है जब तक यह बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और तदनुसार अपनी संस्कृतियों के पहलुओं को परिवर्तित करे। ऐतिहासिक विकास के प्रत्येक चरण में लोगों के विभिन्न वर्गों के माध्यम से सभी में से जो सबसे अच्छा था उसे आत्मसात करके सभी से पर्याप्त रचनात्मकता का संकलन करने के लिए देश ने अपनी संस्कृति को ही समृद्ध किया है। आधुनिक समय में हमारे सांस्कृतिक अभ्यासों में इसी तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं, चाहे फिल्मों और अन्य रचनात्मक दृश्य मीडिया के क्षेत्र में, प्रचलित खेलों के क्षेत्र में, या जिस तरह से हम कुछ राष्ट्रीय दिवसों के उत्सव के इर्द गिर्द अपने राष्ट्रीय जोश का फिर से निर्माण करते आए हैं। इस पैराग्राफ में जो आपके वर्ड्स आप अलग लिख सकते हैं वो हैं, इस लाइन में आप सम्मिलित की जगह शामिल शब्द का उपयोग कर सकते हैं, इस लाइन में आप जीवंत की जगह विद्यमान या फिर अस्तित्वमान या फिर अस्तित्वमय शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रियात्मक या क्रियाशील इसमें से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इस लाइन में आप परिवर्तित करें की जगह बदलें शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ इस वाक्य में आप अभ्यासों की जगह प्रयासों का प्रयोग कर सकते हैं और इस लाइन में आप जोश या फिर उत्साह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं।